शांतनु, वेलकम टू शांतनु बार्स क्या। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हमने चुना फिंच के ऊपर, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया, मैसेज भी आया, सॉरी वीडियो का चैट में आया, चैट में भी आया, व्हाट्सएप में भी आया, इसीलिए मैं फिंच के ऊपर आज जो वीडियो है फिंच का एक ओवरऑल, जो आप लोग देखिए जो कॉमन चीज़ है उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, जो अनकॉमन चीज़ है जो आप लोग अभी तक मतलब आधा अधूरा सुने हो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और आने वाले हर वीक में एक एक फिंच के ऊपर जो लोगों आपका डिमांड है, जैसे मान लीजिए आउल फिंच, स्टार फिंच, गोल्डियन फिंच, पैरोट फिंच, उसके ऊपर हम बातचीत ज़रूर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़, जब मैंने ये वीडियो में देख ही चुके हो जो एक वार्निंग आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे हो रहा है जिसके लिए जो यूट्यूबर ऐसे होता है ना, चैनल देखिए, चैनल तो कोई भी देख सकते हैं, अनसब्सक्राइबर भी देख सकते हैं, क्योंकि मेरे स्टैटिक्स में आता है वीडियो, मतलब जो यूट्यूब का जो डैशबोर्ड होता है उसके पीछे, मतलब उससे हम लोग पहचान सकते हैं कौन कितना परसेंट सब्सक्राइबर लोग फॉलो कर रहे हैं वीडियो को और कितना अनसब्सक्राइब करके भी फॉलो कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, कुछ यूट्यूबर नया नया जन्म लिया है और दूसरों को कॉपी करके इन्फॉर्मेशन भी चुराते हैं, तो इसीलिए उन लोग जो ऐसे ही सब्सक्राइब ना करते हुए, आप सब्सक्राइब करो या ना करो, आपके ऊपर चुरा के वीडियो मत बनाइए, इसको हल्का से मत लीजिए। अगर ऐसे तो ऑप्शन तो आप लोग जानते ही हो, अगर यूट्यूब में वीडियो बनाते हो, जो मेरा कंटेंट कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, मेरा एक प्रॉपर रिपोर्ट हर वीक में आता है, तो इसीलिए खुद के कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाइए, व्यूज़ पाने के लिए, सब्सक्राइबर पाने के लिए दूसरों को नुकसान हार्म मत कीजिए। एक निवेदन है हाथ जोड़ के, नहीं तो हम कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक ज़रूर डालेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे, तो जो भाई लोग इस चैनल के साथ जुड़े हुए, आप कुछ माइंड मत कीजिए, क्योंकि ये आज के डेट में एक अक्सर मतलब लोग व्यूज़ और मतलब मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं यूट्यूब में, लेकिन यूट्यूब भी आज बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो सचमुच मेहनत करते हैं उसको आगे मतलब बढ़ना चाहिए। जो ऐसे ही कुछ कॉपी चोरी करके वीडियो बनाता है, हमको लगता है उसको सभी को रोकना चाहिए, क्योंकि अगर खुद के भीतर नॉलेज है तो उसी के हिसाब से वीडियो बनाइए, जो मैं खुद करता हूँ। अब मेरे कोई भी वीडियो उठा के एक दूसरे के साथ मिला के देख लीजिए जो कहाँ से कॉपी हुआ है, आपको किसी के साथ मिल मतलब एक कंपेयर मत कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है मेरा खुद का है, ना कि दूसरों का है, तो इसीलिए ऐसे मत कीजिए। अगर ये वीडियो आज देख रहे हो या बाद में देखोगे, अगर कुछ ऐसे एकदम 90% मेल हो जाएंगे तो हम ज़रूर कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक ज़रूर डालेंगे। स्ट्राइक डालने के लिए जो जो करना चाहिए वो नियम भी हम जानते हैं, सिर्फ डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप लोगों को एडवाइस देने के लिए नहीं, मतलब आप लोग माइंड मत कीजिए, जो करता है बहुत ही सोच समझ के करता है, जानते भी है, मत कीजिए। खुद का पोटेंशियल, खुद का नॉलेज को बाहर निकालिए, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, नहीं तो लोग समझ ही सकते हैं मतलब कौन से वीडियो के, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो आज तक जो मेरा वीडियो है, ऐसे वीडियो आप कोई भी चैनल पे मेरा वीडियो बनाने का डेट फॉलो कर लीजिए, और जो जो लोग बना चुके हैं उसका डेट फॉलो कर लीजिए। तो कंटेंट तो मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन तो चोरी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मत कीजिए, कुछ खुद का भी मिलाइए, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकता है बाद में। तो चलिए देखिए, फिंच जो ऐसे एक बात है, फिंच अगर हम लोग बात करें, फिंच जो बार्ड्स के लिए पहले दिमाग में सोच आए, तो पहले टेम्परेचर को ज़रूर मेंटेन कीजिए, क्योंकि 28 के नीचे उतरना नहीं चाहिए फिंच का, कोई भी फिंच हो उसका टेम्परेचर, हमको लगता है नहीं, ये रिसर्च में देखा गया है, क्योंकि फिंच बहुत ही एक मतलब क्या बोले सोफिस्टिकेटेड और सुखी बार्ड है, जिसको बहुत ही ठंड लेके क्या प्रॉब्लम आता है, जैसे ज़्यादातर जेब्रा, गोल्डन, बंगाली, ये सारे चीज़ों में, या ज़्यादातर जो अदर्स जो फिंचेस है उसके ऊपर भी ये नियम लागू होता है। तो इसीलिए टेम्परेचर को ज़रूर, आपका जो कोई भी सेटअप है, छत में है, इंडोर में है, आउटडोर में है, फिंच का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन कीजिए, क्योंकि आज के दिन का जो वेदर है बहुत ही मतलब ख़राब वेदर है, तो इसीलिए आपके घर में फिंच का बेबी है तो ज़रूर प्रॉपर केयर कीजिए, लेकिन फिर भी ओवरऑल टेम्परेचर में ध्यान लगाइए। फिर हम आ रहे हैं फिंच का जो सॉफ्ट फूड का बात हम बोलेंगे, क्योंकि ये बोलना ही चाहिए, लेकिन सॉफ्ट फूड से आने से पहले एक दो चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जो फिंच के शरीर में जो उसका जो एनाटॉमी है उसके हिसाब से विटामिन ए और विटामिन ई का बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है, क्योंकि ये सारे डेफिशिएंसी के कारण, या आयरन डेफिशिएंसी, सॉरी
आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण बहुत सारे डिजीज़ का जन्म होता है। तो आज हम ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन सुनिएगा ज़रूर। जो लोग फिंच पाल रहे हो, बीट करवा रहे हो या नया सोच रहे हो इस फील्ड मतलब फिंच के ऊपर काम करने के लिए। ऐसे तो फिंच बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है और उसका जो मेलोडी मतलब बोलने का तरीका है, जो बातचीत करते हैं बहुत ही मेलोडियस है। लेकिन फिंच का जो फर्स्ट प्रॉब्लम बोला, टेम्परेचर अप डाउन होने से फिंच का फेदर फुलाना, बुखार होना, सर ठंड लग जाना, ये एक आम बात है। फूड में अगर हम लोग फिंच के सॉफ्ट फूड के ऊपर सोचें तो ज़्यादातर आप अंकुरित फूड्स मतलब सीड्स प्रोवाइड कीजिए। जैसे उस कुछ वीडियो एक दो दिन वीडियो पहले एक वीडियो दिखाए थे कैसे स्क्राउट कर सकते हो आप नेचुरली या साइंटिफिकली, प्रूव हो चुका है, मैं खुद करके देख चुका हूँ या बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो इसीलिए वो सारे चना, गेहूँ, भुट्टा सारे चीज़ सॉरी भुट्टा नहीं अब दाल मिक्स को भी अंकुरित कर सकते हो। इसमें क्या होता है, कोई भी सीड को अगर आप अंकुरित करते हो तो उसका जो फूड वैल्यू है बहुत मतलब 100% नहीं 200% बढ़ जाता है। तो इसीलिए उसको थोड़ा सा मेंटेन कीजिए फूड्स के भीतर या सॉरी सॉफ्ट फूड के भीतर। आप बहुत सारे चीज़ रख सकते हैं उनमें से जिसमें विटामिन ए, विटामिन ई एंड कैल्शियम बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसमें ज़रूर फिंच के डाइट में ज़रूर रखिए। कोई भी चीज़ों को जो लवबर्ड्स को आप प्रोवाइड कर सकते हो करते हो तो उसी फूड्स को सॉफ्ट फूड्स को आप फिंच को भी थोड़ा सा ग्रीड या मिक्सी में घुमा के छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको आप प्रोवाइड कर सकते हो। उसके साथ साथ आप सीड मिक्स में अगर आना चाहते हो मतलब जानना चाहते हो तो हम प्रॉपर अभी वीडियो में तो इतना कुछ नहीं बोल सकते लेकिन थोड़े बहुत हम जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं। कैनरी का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा हुआ चाहे ब्रीडिंग टाइम पे हो या ऑफ ब्रीडिंग पे हो, क्योंकि फ्रेंच ऐसे एक वर्ड है लो फैट वाला मतलब प्रोटीन का सोर्स को भी तो आना ही चाहिए लेकिन फैट कॉन्टेंट को ज़्यादा मत दीजिए। फैट कॉन्टेंट को थोड़ा सा साइड में रख के उसका सॉफ्ट फूड या सीड्स बनाइए। ऑयल सीड बोल के आप जैसे मान लीजिए हाँ क्या रेशियो होगा जो हम फूड चार्ट बनाता हूँ उसी में हम देता रहता हूँ, लेकिन वीडियो में हम इतना कुछ बात नहीं शेयर कर सकते हैं क्योंकि टाइम इतना बहुत सारे लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए आप सीड मिक्स के भीतर छोटा दाना कागनी जो डिलक्स का होता है वो भी रखिए, थोड़े बहुत बड़ा भी थोड़ा बहुत रख सकते हैं। बड़ा दाना मतलब लवबर्ड्स का दाना भी वो खाते हैं, मैं खुद देता हूँ खाते हैं, मेरा जो छोटा वाला फिंच का सेटअप है। तो इसी के कारण अब कैनरी का परिमाण उसका ज़्यादा मतलब अगर 1 किलो का कांगनी दाना होगा तो कैनरी उसका 50% होगा। तो इसी के हिसाब से मिलेट्स आप यूज़ कीजिए। अभी विंटर के मौसम पे इतना आपका फ्लैक्चुएशन हो रहा है टेम्परेचर को तो ब्लैक सीड या तीसी आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो। तो फिंच का सीड मिक्स ये हो गया। फिंच को जो सीड्स आप प्रोवाइड करो कांगनी दाना कभी 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 अंकुरित करके आप प्रोवाइड कर सकते हो, इसमें नेचुरली विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड होगा उसी फूड से। फिंच का एक मेन जो चीज़ है और एक टेम्परेचर जैसे वो है ग्रीड। ग्रीड हमेशा फिंच के केज में हमेशा रखिए। ग्रीड मतलब एक कोई कैटल फिश बोन जैसे लवबर्ड के केज में रख देते हो ऐसे नहीं, ग्रीड से एक प्रॉपर ग्रीड जो बाज़ार में मिलता है। मेरा जो ग्रीड से भीड़ बार बार बोल रही हूँ जो ऑर्डर बहुत दिन पहले आ चुका है और मतलब 10-20 ऑर्डर आ चुका है उसका हम रिलीज़ करके फिर हम कुरियर करके भेज नहीं सकते हैं। जो लोग अगर घर में आके ले सकते हैं क्योंकि कुरियर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसमें जो वेट होता है 250 ग्राम कुछ भी हो उसका वेट के हिसाब से बहुत ही तो कुरियर का कॉस्टिंग बनता है। फिर भी हम सोचेंगे अभी तो जो घर में आ सकते हो आके ले जा सकते हो, मतलब अभी हम बना रहे वेदर के कारण हम पूरा मिक्सिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि मॉइस्चर आ जाएगा, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ों से मैं ग्रीड्स को बनाता हूँ तो कॉस्टली हाई हो जाता है। इसीलिए सभी को हम ये बात बोलते रहते हैं, ये कोई मार्केटिंग मत समझिए जो हम बार बार खुद को प्रमाणित करते हैं मैं जो ग्रीड्स बनाता हूँ वही अच्छा है, बाकी बार जब बाज़ार में बहुत सारे ग्रीड्स मिलता है उसको भी आप देख कर मतलब कौन सा फिंच का ग्रीड्स है, क्योंकि मेरा जो वाला जो ग्रीड्स है ग्रीड्स है वो फिंच से अप टू लंबर्ड तक ज़रूर चलेंगे, लेकिन मार्केट में बर्ड्स के अनुसार ग्रीड्स मिलता है तो उसी का आप खरीद के यूज़ कर सकते हो। लेकिन ग्रीड्स हमेशा अपने फिंच के कॉलोनी हो, सेटअप हो, कुछ भी हो, एवियरी हो, कुछ भी हो उसमें ज़रूर रखिएगा 365 डेज। फिंच में
अभी आ रहा हूँ मैं, क्या क्या डिजीज़ देखा जाता है। देखिए ये प्रोटोजोआ इन्फेक्शन, ये सीम्स मतलब एक कॉमन चीज़ है, कोई भी चैनल में आप जान सकते हो क्या क्या होता है या इसको कैसे क्योर किया जाता है। लेकिन जो डिजीज़ के बारे में अभी तक नहीं जाने हो उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। फ्रेंड्स का जो अगर फर्स्ट अगर हम लोग बातचीत करें, आँखों में एक इन्फेक्शन कॉन्जेंटिवाइटिस बोला जाता है, उसमें थोड़ा सा ठंड लगने से वो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि टेम्परेचर फ्रिंज गर्मी ज़्यादा सहन कर सकते हैं, लेकिन जब भी कोल्ड में जाए, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर डाउन में जाए तो प्रॉब्लम आ सकता है। आँखों में स्वेलिंग एंड आँख बंद हो जाना, ये सारी चीज़, आँख लाल हो जाना मतलब रेड आई हो जाना, ऐसे कुछ। तो उसी में कुछ ड्रॉप्स है मेडिसिन ह्यूमन का ड्रॉप्स, आँखों का ड्रॉप्स, उसके साथ साथ हल्का एंटीबायोटिक या नेचुरल तरीके से भी उसको क्योर किया जा सकता है। इसको पर मतलब डिजीज़ आज हम बोलेंगे, क्योरिटी कैसे क्योर करोगे उसको पर वीडियो कैसे चाहिए तो कमेंट्स पे बोलना, क्योंकि एक वीडियो तो पूरा हम कंप्लीट नहीं कर सकते ना, तो ज़रूर बोलना, हम ज़रूर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ फ्रिंज का ट्रेस का बहुत ही एक प्रॉब्लम होता है, फ्रिंज कभी कभी बहुत ट्रेस फील करता है। कैसे, जैसे देखिएगा आपका कॉलोनी है, जैसे इंसान के भीतर होता है, जो इंसान का भी बुरा होता है, एक दिन बदमाश होता है, नोटी होता है और कुछ शांत होता है, तो कुछ फिंच बार्ड्स शांत होने के कारण जो नोटी बार्ड है उसको परेशान करते रहते हैं। इसी के कारण वो खाना तो खाते हैं लेकिन डिप्रेशन फील करते हैं। उसको भी प्रॉपर केयर कीजिए, क्योंकि डिप्रेशन का मतलब नेक्स्ट स्टेप जो होता है आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ बढ़ता है, चाहे इंसान हो, जानवर हो या बार्ड्स हो। इसीलिए कोई भी बात डिप्रेशन है, लक्षण ये है, वो भी डिप्रेशन के कारण भी वो फीडर फुला सकते हैं। डिप्रेशन अगर टेम्परेचर अप डाउन होने से भी डिप्रेशन हो सकता है, किसी का परेशान कॉलोनी में है, कॉलोनी में कोई दोस्त सही उसका नहीं है, उसी के कारण भी डिप्रेशन हो सकता है। पेट में कोई मतलब शरीर में कोई मतलब इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी उसका डिप्रेशन हो सकता है, तो उसमें प्रॉपर केयर कीजिए। ये कैसे क्या करोगे अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट्स में बोलिएगा, उसके ऊपर भी हम एक सेकंड पार्ट भी मतलब एक नया एपिसोड बना के आप लोगों को साथ शेयर करेंगे। तो स्ट्रेस में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिंच का विटामिन ई के कमी से देखिएगा, जो खाना का पॉट होता है, खाने के पॉट में वो पॉटी कर लेते हैं, जैसे सीड मतलब ड्रॉपिंग इन सीड स्पॉट, ये मतलब डिजीज़ है, ये विटामिन ई की कमी से होता है। और एक होता है वाइट वाला पॉटी, मतलब चून जैसे खान मतलब पॉटी करते रहते हैं, ये लीवर का मतलब एक मेरा पैरासाइट्स के हिसाब से भी होता है, लेकिन जब होता है ये एक लॉन्ग टाइम चलता है, लॉन्ग टाइम को तोड़ने के लिए आपको प्रॉपर केयर में आना चाहिए। कोई देखिए एक चीज़ हम बीच में बोलना चाहते हैं, कोई भी बार्ड्स हो उसको एकदम हेल्दी और अच्छा रखना चाहते हो तो कोई भी बार्ड्स ले लीजिए, उसका केज का फ्लोर हमेशा साफ सुथरा होना रखिए और होना भी चाहिए। और जो पॉट में आप खाना पानी या सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कर रहे हो हर रोज़ या हर टाइम, उसको साफ सुथरा करके प्रोवाइड कीजिए, तभी जाके आपका इन्फेक्शन हो। जो मेरे सेटअप पे है, जो मेरा जितना भी फार्म विजिट रहे, वीडियो बनाने के टाइम रहे, संग मतलब फैमिली का काम रहे, कुछ भी रहे, मैं हमेशा 3 times मेरा केज फ्लोर साफ सुथरा रखता हूँ, करता हूँ। तो ये मेरा रूटीन का एक मूल काम होता है, एकदम प्राइमरी काम होता है। इसीलिए आज तक ऐसे कुछ बीमारी हम लक्षण नहीं देखा खुद के सेटअप पे, जो आप लोगों के फ़ोन पे हम सुनते रहते हैं, दादा ये हो गया, वो हो गया, ये सारी चीज़, हर चीज़ का बैक्टीरियल फंगल पैरासाइट कुछ भी हो जो जन्म होता है खाना ज़्यादातर टाइम पड़े रहने से, कोई भी सीजन में हो। हाँ, हर सीज़न का एक टाइमिंग होता है, उस सीज़न को ओवर हो जाने से उस मतलब खाने पे सॉफ्ट फूड में बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसी से सॉरी जब इन बार्ड जब इंटैक्ट करता है उस टाइम के बाद, तो आहिस्ता आहिस्ता शरीर में जाके वो लीव करने लगते, सॉरी बासा बनने लगते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता खुद का परिवार ग्रो करने लगते हैं और बार्ड्स का शरीर को हेल्थ नुकसान करते हैं। तो उसके साथ साथ केज फ्लोर भी जितना भी आप डाटी रखोगे, आप देखिए आपके पास टाइम नहीं है मानता हूँ, लेकिन एक टाइम आपको निकालना पड़ेगा, अगर एक दिन में ना हो तो 2 दिन के अंदर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कारण बन सकता है आने वाले दिन में आपका बर्ड्स का बड़ा बीमारी, जिससे कोई रिकवरी का चांस नहीं हो सकता है। तो इसीलिए संभल जाइए, क्योंकि शेर कभी बोल के नहीं आता है, पूरा वक्त कभी बोल के नहीं आता है, हमेशा अचानक चले आते हैं, क्योंकि हम लोग तैयारी खुद को नहीं रखते हैं, तो इसीलिए खुद के कारण ही खुद का टाइम बर्बाद होता है, मतलब पूरा वक्त
बनता है। तो इसीलिए केज फ्लोर परिष्कार रखिए, तो देखिएगा कोई भी प्रॉब्लम आपका बर्ड्स का ज़्यादा नहीं होगा। तो कहाँ पे था, ड्रॉपिंग ऑफ सीड्स, ड्रॉपिंग ऑन सीड्स, और एक होता है वाइड वाला पॉटिंग, और एक होता है जो हम ये भगवान से दुआ करेंगे किसी के साथ जो फिंच पाल रहे हो किसी के साथ ना हो, ये पॉलियोमा या प्रोटोजोआ से भी बहुत ही खतरनाक और डेंजरस वायरस है या पैरासाइट से, वो है स्केलिंग ऑफ लेग एंड स्केलिंग ऑफ माउथ। मतलब ये मान लीजिए अगर पैर है, अब फोटो दिखाने की कोशिश करेंगे, एडिट जब करेंगे डालने की कोशिश करेंगे, अगर उसमें कॉपीराइट है तो नहीं यूज़ कर पाएंगे, लेकिन अगर कॉपीराइट फ्री होगा वो पिक्चर हम ज़रूर यूज़ करेंगे। उंगली से उंगली निकल आता है, मतलब ऐसे मान लीजिए जैसे पेड़ का कोई रूट होता है ना, जैसे हम लोग शिखर बोलते हैं जो होता है ना, जैसे दिखने में लगता है, पैर भी ऐसे हो जाता है। भगवान करे किसी के साथ ऐसे ना हो, मतलब एकदम ख़तरनाक वायरस या पैरासाइट्स होता है। और एक होता है फेस में, और एक फेस मतलब इसका ये जो मान लीजिए ये जो एक मांस है, ये मांस अगर निकल आए, कभी कभी आप रास्ते में जब निकलोगे कि या काम काज में निकल चुके हैं या बाज़ार में, कुछ लोगों को देखोगे मतलब शरीर में ऐसे 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 ट्यूमर जैसे झूल रहा है, तो एक डिजीज़ है जो नॉन इन्फेक्टेड है लेकिन एक डिजीज़ है। वैसे ही बार्ड्स का एक स्थान से ऐसे फेस बड़ा हो जाना, मतलब तो इसी को स्केलिंग ऑफ फेस बोला जाता है। ये भी एक पैरासाइट से होता है, ज़्यादातर केज अपरिष्कार रहने से, ठीक है। और ये और एक कारण हो सकता है, विटामिन्स का बहुत मात्रा में डेफिशिएंसी के कारण पैरासाइट शरीर में इम्यूनिटी पावर नहीं रहता है, तो उसी के कारण कोई भी बैक्टीरिया पैरासाइट्स इन जैसे पैरासाइट्स बासा कर लेते हैं, उसी के कारण ये एक्सटर्नली काम करता है और चीज़ों को बहुत ही ख़राब बना देते हैं, चाहे वो पैर का उंगली हो या फेस हो। फिंच का और एक डिजीज़ होता है आयोडीनल डिजीज़, मतलब आयोडीन का शरीर में कमी होने से वो फेदर फुला के बैठ जाता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, डायरिया जैसे सिम्टम नज़र आता है, क्योंकि उसका जो फूड है जो सॉफ्ट फूड आप प्रोवाइड करो उसमें आयोडीन की कमी से जो थायराइड ग्रंथी होता है ना हम लोगों का, उसमें आयोडीन की कमी से शरीर में ये सारे प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसी के कारण उसी टाइम पे अगर ऐसे कोई मसला हो तो अंकुरित सीड्स आप ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, मतलब एक डाइट बना लीजिए जो आपका फिंच का जो डाइट होगा, जिसको हम भेजते हैं, लेकिन फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ, चार्ट जो हम बनाते हैं उसके लिए हम कॉस्ट लेते हैं, एक मिनिमम कॉस्ट लेता हूँ, क्योंकि देखिए इतने सालों का एक्सपीरियंस जो हम न्यूट्रिशन का चार्ट बना रहे हैं, चाहे कोई भी हो, बहुत लोग कर भी चुके हैं। अगर आप लोगों का ध्यान में देना चाहता हूँ, ये मतलब ये सुनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मतलब आप लोग मतलब एक क्या बोलेंगे हम, मतलब हम ये प्रोफेशनली करते हैं, ठीक है, इतना समझ जाइए। मतलब आप बोलेंगे भेज तो देंगे, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर कॉस्ट हम लेते हैं, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है वो हर बार के लिए है, तो लेकिन हम लेते हैं। इसीलिए जो डाइट चार्ज हमने मेंटेन करके भेजता है, तो उसको जो फॉलो करता है, जो पहले ही वह बहुत दिन पहले भेज चुका है, आज का उसको रिजल्ट मिल रहा है, जो अभी भेज रहा है कुछ दिन बाद उसको ज़रूर रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि उसमें प्रॉपर डाइट रहता है, कौन से फूड कैसे देने से आपका बर्ड्स का इतने सारे प्रॉब्लम्स अराइज नहीं करेंगे। तो उसी टाइम पे आयोडीन की कमी से और थोड़ा सा आपका मल्टीविटामिन्स या आयोडीन वाला टॉनिक, जैसे एक बाय है हमको, अगर ध्यान में आ जाएगा तो हम पिक्चर दे देंगे, नहीं तो हम बाद में पूछ लिएगा हम बोल देंगे, क्योंकि ऐसी कुछ मेरा को हुआ नहीं, तो इसीलिए घर में नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर फोकस करता हूँ सॉफ्ट फूड में, और जो लोग वी प्लस यूज़ कर रहे हो इतना तो तय है उसमें आयोडीन या कोई भी विटामिन का डेफिशिएंसी आपके बार्स के शरीर में नहीं होगा, जो लोग यूज़ कर चुके हो वो तो देख ही चुके हो। तो इसीलिए वी प्लस हम लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये समझाने के लिए है जो वी प्लस के भीतर ये सारे चीज़ कोई भी बार्स के लिए दिया हुआ है, तो ये ज़रूर हम इसीलिए बोला। फिंच का और एक प्रॉब्लम होता है हार्मोनल और जेनेटिक डिजीज़, वो क्या होता है, इनब्रीड करवाने से, ज़्यादातर जेब्रा और गोल्डन में होता है, इनब्रीड करवाने से उसका ब्लड टाइप जो स्ट्रॉन्ग होने के कारण दुर्बल हो जाता है, क्योंकि भाई बहन के साथ मेटिंग करने से जो एक इन्फेक्शन और बैक्टीरिया सॉरी एक बोल सकते हो एक डिजीज़ का जन्म होता है जो कैरी फॉरवर्ड, मतलब फिंच मान लीजिए बड़ा जो बाट है ना
वो रोगों मतलब डिजीज़ को कैरी करके अपने बच्चा जो जन्म देता है उसमें फॉरवर्ड हो जाता है अपने आप, ऐसे उसको जानबूझ के नहीं करते जो मेरा। तो अपने आप जब खाना खिलाता है उसके शरीर से एक इन्फेक्शन, वही बैक्टीरिया निकल के शरीर में जाता है। देखिएगा कोई भी फिंच का बेबी अगर मारे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पेट के नीचे मतलब ये अगर बेबी है उसको उल्टा करके, ये अगर पेट होगा उसका छोटा वाला पेट, इसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट रहेगा, और बीच बीच में अगर कुछ है मतलब रेड रेड स्पॉट रहेगा, नहीं तो ब्लैक, नहीं तो रेड, और नहीं तो कभी कभी दोनों ही रहता है। दोनों रहने से इतना मान लीजिए आपका फिंच का पोलियोमा वायरस का इफेक्ट हुआ है, जो आपको वार्ड मतलब एवियरी हो चाहे सेटअप हो उसको नॉन डिसइंफेक्टेड करना पड़ेगा, और बार्ड्स को भी डिसइंफेक्टेड करना पड़ेगा, तभी जाके उसका केयर है क्या है। मेरा पोलियोमा वायरस के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो है, उसको आप दे सकते हो, देख सकते हो, नहीं तो हम इस वीडियो के एंड पे पोलियोमा का मतलब थंबनेल लगा देंगे, क्लिक करके भी आप लोग जान सकते हो। तो ये सारे फिंच का जो डिजीज़ का नाम लिया। और एक चीज़ हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जब मोल्टिंग टाइम हो फिंच का कुछ चीज़ों का ज़रूर मेंटेन कीजिए। एक होता है, फिर बोल रही हूँ, टेम्परेचर, उसी टाइम पे अंकुरित खाना मतलब सीड्स अंकुरित स्क्राउट्स फूड्स ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, उसमें उसका फेदर उगने में हेल्प होता है, और डैमेज फेदर और बैड फेदर झड़ने में हेल्प होता है। मतलब पौधा जैसे मतलब पेड़ का जो पेड़ मतलब पत्ता होता है ना, जैसे गिर के फिर उठता है, वैसे ही मोल्टिंग एक नॉर्मल सीजिंग। हम फेंच मोल्ट के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे मोल्टिंग जिसको बोला जाता है, उसी टाइम पे थोड़ा सा पैरासीटामोल का भी 250 का भी डोज दीजिए, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे पेन्स होता है, मतलब व्यथा होता है बंगाली में जिसको हम लोग बोलते हैं व्यथा, पेन मतलब एक दुखता है शरीर में, तो पैरासीटामोल हल्का डोज देने से उसका आराम मिलता है। और थोड़ा सा परिवेश को थोड़ा सा गर्मी पैदा कीजिए, ठंडा होने से फिर भी ठंडा का प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके साथ साथ अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम का ज़रूर सहारा लीजिए। फिंच के डाइट में विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम और आयोडीन का कमी कभी ना हो पाए, इतना ध्यान करके फिंच का एक चार्ट बना के आप लोग यूज़ कीजिए। मतलब एक डाइट चार्ट खुद जो कर रहे हो, अगर जिसका प्रॉब्लम ये सारी चीज़ हो रहा है तो थोड़ा सा आप संभल जाइए, मतलब खुद सोच के देखिए क्या क्या आप प्रोवाइड करते हो। और एक होता है मतलब लगातार ब्रीडिंग करवाने से ये सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो इसीलिए रेस्ट देखिए फिंच बर्ड को ब्रीडिंग करवाइए। ऑफ सीजन में भी अगर मान लीजिए फिंच बर्ड गर्मी में ज़्यादा ब्रीड करते हैं, अगर आप लोभ या लालच के कारण उसको ऐसी सीजन पे भी बिठा देते हो तो वो स्ट्रेस फील करते हैं, और उसके साथ साथ ये मतलब जेनेटिक डिजीज़ भी बहुत बड़ा मतलब आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव हो जाता है, या प्रॉब्लम शरीर में आ सकता है। जो बेबी जन्म होगा तो एक बच्चा जिएगा तो दूसरा मर जाएंगे, दूसरा जिएंगे तो तीसरे मर जाएंगे, ये सारे मसला होने लगेंगे। फिंच के बेबी का जब जन्म होता है उसी के टाइम पे नरम खाना ज़्यादा प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि उसमें डाइजेस्ट करने में उसका फ़ायदा मिले। ये सिर्फ फिंच के लिए नहीं, हर कोई बात के लिए, जैसे एक फूड हो गया। और एक चीज़ बोलने बोलते भूल गया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर जा रहे थे, वो है फिंच को हमेशा 3 times एनिमल प्रोटीन की थोड़ा सा ज़रूरत होता है, जितना जावा का उतना फिंच का नहीं, लेकिन आपका मान लीजिए थोड़ा जो ऑस्ट्रेलियन फिंच होता है उसमें ज़्यादा एनिमल प्रोटीन की ज़रूरत होता है, लेकिन अफ्रीकन फिंच में भी 50% ज़रूरत होता है। तो मेरे जो रिज़ल्ट हमको मिला सप्ताह में एक बार, अब एंड मतलब अगर जो प्रोवाइड कर सकते हो तो करो, जैसे एंड का एग या आपका वो जो माइट्स नहीं वो जो क्या कीड़ा होता है उसको प्रोवाइड करना, लेकिन जो सुविधा असुविधा है ये सारी चीज़ प्रोवाइड करने में, आप प्लेन एक फूड प्रोवाइड कीजिए, एक और भात चावल को उबाल के थोड़ा सा नमक दीजिए, बीट नून या संदूक नून डाल के आप प्रोवाइड कीजिए। शीतकाल में और एक चीज़ बताता हूँ, शीत का फिंच का जो सॉफ्ट फूड में थोड़ा सा 1-2 drops अब ऑयल डाल के, सादा ऑयल, वाइट ऑयल जिसको बादाम तेल या आपका सनफ्लावर ऑयल, ऐसे कुछ जो हम लोग घर में खाते हैं, सरसों का तेल नहीं, अलग जो तेल होता है उसी तेल, तो शरीर में हीट पैदा ज़्यादा मत दीजिए, उसमें फैट आ जाएगा। और उस तेल में भी विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ई रहता है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे आपका फिंच बर्ड बहुत ही हेल्दी रहेगा, अच्छा बहुत ही अच्छा ब्रीड करेंगे। और भी कुछ फिंच के ऊपर जानकारी चाहिए तो हमको कमेंट्स में लिखिए, नीचे वाला कमेंट्स में, हम ज़रूर उसके ऊपर
एक सटीक मतलब राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ, सप्ताह में हर एक दिन कोई ना कोई एक दिन हर वीक में आपका कोई ना कोई फिंस के ऊपर जानकारी इस चैनल पे ज़रूर मिलेंगे। तो आज इतना ही, अच्छा रहिए, भला रहिए, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फ़ोन कीजिएगा। एक फूड के साथ फिर बोल रही हूँ, भूल गई हूँ, चिकन फूड मतलब चिकन और राइस सप्ताह में एक दिन ज़रूर खाइए।